तो वहीं राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद सुभाष बराला ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि पार्टी के आशीर्वाद से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसे वो पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ निभाएंगे। देखिए निश्चित तौर पर और किस तरीके से जो है पूरी इस जिम्मेदारी को जो आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह जो है हो गया है। देखिए आज बड़ा एक अलग दिन है मेरे लिए, तो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आज उच्च सदन का मेंबर जो पार्टी ने मुझे पार्टी के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित हुआ और आज विधिवत शपथ हुई है और इस शपथ के बाद कामकाज आज के दिन आज से शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा दिन है। और ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हैं, हमारे अमित शाह जी जो पार्टी का लंबे समय तक जिन्होंने नेतृत्व किया है, आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष जी, सब लोगों ने जो एक जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मेरा प्रयास ये रहेगा चाहे वो विधायक कार्य हों या सामान्य जनजीवन के विषय में कोई भी विषय उठाने की बात हो, समसामयिक विषय भी बहुत आते हैं, इस प्रकार का कोई भी विषय आएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी जिम्मेवारी के साथ इन बातों का निर्वहन किया जाए। सर इस बार लोकसभा चुनाव चूंकि देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मेजोरिटी भी जो है राज्यसभा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास देखने को मिलती नजर आई, कई बड़े जो वादे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किए गए हैं, किस तरीके से जो है वो पूरा रोड मैप देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें तो किस तरीके से जो है आपका भी रोड मैप रहे। देखिए जिस प्रकार का कार्यकाल पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार का रहा है और जिस प्रकार की तैयारियां संगठनात्मक रूप से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर की हैं, तो उससे लगता है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है और मुझे लगता है कि उस आशीर्वाद के रूप में 10 की 10 सीटों पे कमल फिर से खलेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। 10 की 10 सीटें सर एक बार फिर से जो है जीतने का जो कोशिश है वो देखने को मिलती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अभी तक से उम्मीदवार है वो मैदान में नहीं है सर। देखिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक कामों के साथ साथ कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और हमारे सब लोग संगठन के लोग पार्टी के कैंडिडेट सब लोग आज मैदान में जा करके और कमल खिलाने का प्रयास करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष बराला जी थे जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।